एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार खादी उद्योग को बढ़ावा देने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर मधेपुरा जिले के सैकड़ों बुनकर परिवार बेरोजगारी की वजह से बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। बिहारीगंज अनुमंडल के रामपुर देहरू गांव के कई परिवार काम न मिलने की वजह से काफी परेशान है। खादी उद्योग में बेरोजगार होने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले सालों के मुकाबले इस उद्योग में काम करने वालों का आंकड़ा सिमटा ही जा रहा है। सैकड़ों लोग इस उद्योग में रोजगार गवा चुके हैं। वहीं पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। गांधी जी का सपना जो था, सरकार सिर्फ गांधी जी के नाम पर राजनीति करते हैं इस डेट, लेकिन हमारे गांधी जी का धरा काम को धरातल कभी जगह पे आया ही नहीं। सिर्फ उसका नाम बिकता है, सरकार बेचे या आमजन बेचे या आप ही लोग चैनल वाले हैं, क्या क्या चीज करते हैं देखते ही करते हैं। तो सर थोड़ा सा आवाज हम लोग के लिए उठाइए, हम लोग की जिंदगी सही सलामत कटे। क्यों हम लोग दिल्ली पंजाब जाएं, हमारे हलोयाल बाल बच्चा, हमारे पड़ोसी, हम गाँव वाले, हम लोग को रोजगार सरकार दे, हम सरकार से अपनी मांग रखते हैं। वही गांव के मुखिया मोहम्मद सिकंदर कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से कुटीर उद्योग काफी सालों से बंद है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस कारोबार को फिर से उसी गति में लाने के प्रयास करने चाहिए। कांग्रेस की सरकार में 1989-90 तक केंद्र सरकार की तरफ से 30% गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सब्सिडी मिलता था और 10% राज्य सरकार के, कुल 40% सब्सिडी की वजह से कपड़े का रेट घट जाता था। आवाम उसको खरीदने में दिलचस्पी लेते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। आज के डेट में ये सारी चीज सरकार ने बंद कर दिया, जिसके वजह से आज ये खादी का जो कुटीर उद्योग, महात्मा गांधी का जो सपना था, वो सपना रसातल में चला गया। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी मांग है, यहाँ के आम बुनकरों की मांग है, वो मार्केट, स्रोत और पूंजी अवेलेबल करावे, तो पुनः उससे ज्यादा जोश खरोश से फिर बुनकर सहयोग देंगे करेंगे। इस समय हम उदा किशुनगंज के मजौरा बाजार के रामपुर डेहरू में हैं, जहां 1990 ईस्वी से पहले यहां प्रत्येक घर में हस्तकरघा का यहां काम होता था और लोग यहां पर छोटे छोटे घर में बुनकर का काम करते थे और नजदीक के बगल में जो पुरानी प्रखंड है वहां पर खादी भंडार का स्टोर हुआ करता था। सरकार वहां पर इन लोगों को सूत मुहैया करती थी और ये लोग जो चादर और गमछी या जो भी बेडशीट यहां बना प्रत्येक घर में तैयार होता था ये खादी भंडार में जमा कर दिया करते थे और इनको बदले में मजदूरी मिल जाया करता था और सूत भी मिलता था जिससे आगे के रोजगार करते थे। बहुत ही काफी लोग रोजगार करके आगे बढ़ते थे और लोगों को प्रत्येक घर में खादी का चादर मुहैया भी करा देते थे। लेकिन वर्तमान समय 1999 से लेकर 2001 तक आते आते यह बिल्कुल ध्वस्त हो गया। सभी आदमी यहाँ बेरोजगार हो गए। हर हाथ में जो रोजगार था जिससे ये लोग कुछ कर पाते थे अपने रोजी रोजगार के लिए, वो बिल्कुल शून्य हो गया। वर्तमान स्थिति में ये लोग दूसरे रोजगार की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि अब आप कैसे रोजगार करते हैं और इससे कैसे दूर चले गए। जी बताइए। हम 1901 में जो है रोजगार मेरा बंद हो गया, समझे, इसमें बाल बच्चा मेरा मिल के अपना जो है सारा काम करते थे, कपड़ा तैयार करते थे, गमछी तैयार करते थे, लुंगी तैयार करते थे और पहनने के लिए जो है पहनने के लिए कुर्ता सा बनाते थे, उसके बाद साड़ी तैयार करते थे। इसमें होते होते जो है मेरा हम लोग का जो है सरकार जो है ना एक रोजगार को बंद कर दिया, हम लोग पूरे परिवार जो है बेनकाम बन गए, तो रोजगार नहीं बना। कितने लोगों को यहाँ मतलब घर में ये तैयार होता था? जो है ना लगभग तकरीबन देखिए रामपुर डेहरू में लगभग 400-450 घर था, हर घर में ये कपड़ा तैयारी होता था। तो हर घर से तैयारी करके जो है भवानीपुर, रुपौली, क्या कहते हैं बिहारीगंज, पुरैनी जो है कपड़ा पहुंचाते थे, वहां पर जो हम लोग मजदूरी देता था और सूत देता था, सूत लाके जो है कपड़ा तैयार करते थे फिर वहां पहुंचाते थे, है ना। इसी वजह से हम लोग जो है काम बंद हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनु लंसारी।
तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जब से इन लोगों का रोजगार बंद हो गया, ये लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए। दूसरे काम धंधा इनके पास है नहीं, किन्हीं के पास यदि कुछ रोजगार है तो इसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों को अभी फिलहाल सरकार से ये मतलब आशा है जो कि कहीं सरकार खादी को जो भंडार खादी को जो बढ़ावा देने के लिए जो सरकार एक से एक योजना चला रही है, यदि उस योजना को फिर से यदि सरकार जिंदा करे, खादी भंडार में सूत मुहैया करा दे और इन लोगों को चरखा, ये लोग बिल्कुल गुलजार हो जाएंगे। इस वक्त मधेपुरा से राजीव रंजन, पंजाब केसरी के लिए।